हर्पीस के बारे में बताता हूं, ये बात को फैला देना, बहुत लोगों को कष्ट होता है। हर्पीस में अंदर से खाने के लिए तो गोधन अर्क, कोई भी स्किन, ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वैसे, ये आगंतुक रोग है आयुर्वेद के अनुसार भी और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके शरीर में डेवलप होते रहते हैं, कुछ बाहर से आ जाते हैं, इसलिए डिटॉक्स जरूरी है। तो जिनको भी हर्पीस हो जाए तुरंत गोधन अर्क, नीम के पत्ते अथवा नीम घनवटी, सोरो ग्रिट, डर्मा ग्रिट, कायकल्प क्वाथ पीना शुरू कर। नमक मीठा बंद कर दें, उबला हुआ खाएं या फल खाएं। एक लेप है और ये लेप इसका सर्तिया इलाज है। मुंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुको और वो लेप है शमशान की हड्डी, बिल्कुल फूकी हुई सफेद, उसको ला करके कपड़छन कर ले, मंगवा ले किसी से, मर गया जिसको मरना था, अब क्या है, हड्डी तो है काम आज, बाकी तो बहुत से लोग तो जीते जी तो काम ही नहीं आते। शमशान की जली हुई हड्डी, पूरी सफेद हड्डी होती है, जो कम जली होती है वो काली रहती है, कम जली हो तो उसको जला लो, ला करके उपले आधे में फूक लो, जली हुई हड्डी और नारियल का तेल। मैंने सैकड़ों लोगों को खुद अपनी निगरानी में लगवाया, बहुत पीड़ा होती, असह्य वेदना, 3 दिन के अंदर सारा दर्द खत्म, नहीं तो 3-3, 6-6 महीने तक दर्द चलता है, होते ही लगा दो। देखो कुछ बीमारियों में, जैसे मैं कहता हूं, जैसे ही किसी को पैरालिसिस हो जाए, जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हो जाए, क्या करोगे? हॉस्पिटल में तो रहते नहीं हो कि जाकर के घुस जाओगे एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए, बाईपास के लिए। अरे कोई भी नहीं, कोई घर घर को कोई हॉस्पिटल थोड़ी बना के रखता है, क्या करोगे? तो ये घरों में बोध होना चाहिए, मैं इस बोध को बहुत गहरा बैठाना चाहता हूं देश के लोगों में। अचानक किसी की आई साइट फेल हो जाए, चली जाए, कई बार हो जाता है, फिर वो जिंदगी भर लौटती ही नहीं है। अचानक किसी की आई साइट फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे? अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, 1 से 2 घंटे में यदि हॉस्पिटल में भी जाना है तो जाओ, ठीक है, चेक करवा लो हुआ क्या था। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते तुम 99% अच्छे हो जाओगे, थोड़ी बहुत कसर मसर रहेगी तो कर लेना थोड़ा बहुत इलाज। लेकिन आदमी को संकट के समय कई बार बात याद नहीं होती। मैंने यहां सैकड़ों लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव आपको सुनाए, लाइव एग्जांपल्स दिए। वक्रासन करो, जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो अर्धमत सिंद्रासन करो, ऐसे ये लेप, शमशान की हड्डी, मुर्दे की हड्डी, नारियल के तेल में, और वो भी वर्जिन कोकोनट सबसे अच्छा होता है नारियल के तेल में, एक्स्ट्रा वर्जिन बोलते हैं उसको, वैसे तो वर्जिन ही होता, कोकोनट को पेल करके कोलों में कच्चे खाने की तरह होता है,
साउथ इंडिया वालों के लिए कच्ची घानी तेल नारियल का होता है, इधर कच्ची घानी सरसों तेल होता है, जो बिना केमिकल प्रोसेस के तेल निकाला जाए। बाकी को तो हैक्जीन और तमाम तरह की दूसरी चीज़ें डाली जाती है ना, तेल नहीं निकलता, सोयाबीन का और तमाम तरह की जो हार्ड चीज़ें होती हैं जिनमें तेल होता है, कम मात्रा में होता है और बिना केमिकल प्रोसेस के निकलता ही नहीं है, उसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। उसमें भी फिजिकल और केमिकल दो तरह का रिफाइंड होता है, और फिर डबल रिफाइंड, पता नहीं क्या क्या कुछ चक्कर चल रहा है, करो सब। तो ये हर्पिस के लिए बता दिया, जलन होती है उसमें तो एलोवेरा और नीम के पत्ते, एक बार वो भी लेप लगा ले तो जलन और कम हो जाएगी। सुबह शाम दो बार ये लेप लगाए, खाने पीना जैसे बताया वैसे कर, 7 दिन के अंदर हर्पिस ठीक हो जाता। Thank you.